व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन लाइक वी डिस्कस एनालिसिस अभी हमने देख लिया है कैसे व्हाट हाउ वी एनालाइज ठीक है तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैटप्लॉटलिब पाइथन मैटप्लॉटलिब ओके तो दिस इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी व्हिच इज यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो व्हाट यू कैन यूज विद दिस लाइब्रेरी यू कैन प्लॉट ग्राफ्स यूजिंग योर पाइथन स्क्रिप्ट्स यूजिंग योर पाइथन शेल इन योर वेब एप्लीकेशन सर्वर्स and any other graphical user interface toolkits okay so basically if we discuss that what is matplotlib used for we'll say that this is a python library which is used for plotting and it provides the object oriented apis for integrating plots into the applications and most of the times like in class 8 9th aapne padha bhi hoga economics aur ye sari cheeze jo cbse boards mein padhte hain राइट तो उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं है ना इंडिया का सेंसस ग्राफ या एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हो गए इकोनॉमिक्स के रिलेटेड में फाइनेंशियल सेक्टर्स का कुछ ग्राफ होगा है ना तो दोस ग्राफ्स कैन बी बिल्ट इजीली विद द फीचर्स ऑफ मैटप्लॉटलिब एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड और यू कैन राइट और कैन बी क्रिएटेड विद एक्सेल एंड एनी अदर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू क्रिएट ओके सो मैटप्लॉटलिब Lib is not a part of standard libraries which is installed by default with the Python. Okay, so there are several toolkits which are available that you can say extend for more matplotlib functionalities. Okay, so we are going to discuss karte hain kya kya hota hai kaise cheeze aati hai. Okay, so so introduction karenge ki what is data. सबसे पहले व्हाट इज डेटा हाउ इट वर्क्स क्या क्या होता है उसमें देन विल लुक दैट व्हाई वी यूज डेटा विजुअलाइजेशन सो व्हाट इज मैटप्लॉटलिब द टाइप ऑफ द प्लॉट्स एंड द प्रैक्टिकल अप्रोच विल बी गोइंग थ्रू ओके इट्स वेरी सिंपल ऑल द फोर कॉन्सेप्ट्स विल बी गोइंग ऑन चलो तो विल सी दैट व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज व्हाई डेटा विजुअलाइजेशन सो डेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज अबाउट वन और मोर पर्सन्स और ऑब्जेक्ट किसी भी एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल ले लो है ना तो वैल्यूज ये एवरीथिंग इज कॉल्ड अ डेटा अब लेट इट बी अ कॉलम लेट इट बी एन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन एरे प्लीज म्यूट किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दीजिएगा तो डेटा क्या होता है वैल्यूज का सेट है ना और कुछ नहीं ढेर सारे वैल्यूज होते हैं आपके पास आप उनको वेरिएबल्स कहो या आप किसी भी फॉर्मेट में ले लो उनको तो दैट इज नथिंग बट योर डेटा एंड दैट कैन बी एनीथिंग राइट अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो व्हाट यू हैव देयर लाइक ग्राफ ओके ऑफ डेली एक्टिविटी ऑफ लाइक अ पर्सन राइट लेजर टाइम सर्विसेज शॉपिंग हाउसहोल्ड केयर पर्सनल केयर स्लीपिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ट्रैवलिंग तो किस पे कितना कहाँ पे कितना डेटा कितना वर्क कर रहा है किसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है दिस इज लाइक अ रियल टाइम GIF काइंड ऑफ थिंग यू कैन से ओके चलो आगे देखते So why data visualization? Because human brain can process information easily when it's in the pictorial form. आप इसको practically भी apply करके देख सकते हो कि आप कुछ पढ़ते हो या आप कुछ visualize करते हो या आप कुछ देखते हो तो जो आप देखते हो वो it's very easily rememberable, right? Then आपने जो पढ़ा है ठीक है आप किसी graph को एक बार देख लो उस graph को आप recognize कर सकते हो बाद में भी कुछ दिन बाद right? या एनी टाइम यू कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ ये ग्राफ कुछ इस तरह का था ये पिक्चर कुछ इस तरह का था और लेट से कि आपके पास कुछ पास्ट फोटोज होते हैं है ना आपके फोन में गैलरी में यू हैव पास्ट फोटोज तो आप फोटोज को देख कर डायरेक्टली यू कैन रिलेट टू द मेमरीज राइट और वो व्हाट एवर इट इज राइट तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ओके जस्ट अ मिनट वी आर साक्षी से तो कोई भी ग्राफ को देखकर कैसे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू आइडेंटिफाई बिकॉज दिस इज व्हाई वी यूज डेटा विजुअलाइजेशन ठीक है और क्विकली इंटरप्रेट होता है ये सारा चीज ठीक है तो विल सी नाउ व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन व्हाई यूज करते हैं ये समझ में आ गया अभी देखते हैं कि आगे से कि क्यों इसको हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे डेटा विजुअलाइजेशन ठीक है चलो तो आगे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं कि कितने काइंड ऑफ प्लॉट्स हैं क्या कैसे रन होता है ठीक है अभी भी किसी का अनम्यूट है अनम्यूट कर लेना या तो फोन को साइलेंट कर लो ठीक है चलो तो बेस मैप क्या होता है एक मैप प्लॉटिंग टूल किट है
ठीक है, ये सारे चीजें मैटप्लॉटलिब के अंदर आती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज कहते हैं इनको, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका बज रहा है फोन, साइलेंट कर लेना, ये तो फिर छूट जाएगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। मैटप्लॉटलिब के एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज देखते हैं, है ना। तो कुछ कुछ टाइप्स हैं, चार पांच देख लेते हैं उनको। एक होता है आपका बेस मैप, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेस मैप क्या करेगा, एक मैपिंग प्लॉटिंग टूल किट है जिसपे आप क्या कर सकते हो, मैप प्रोजेक्शन कर सकते हो, कोस्ट लाइन्स एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये मतलब आपका पॉलिटिकल मैप्स काइंड ऑफ थिंग आप बोल दो, तो उस पर यूज दिस, ओके। देन यू हैव कार्ट्रोपी, तो कार्ट्रोपी आप ले लो इधर ऐसा, अच्छा इनको गोल्ड नहीं करता मैं, ऐसे ही रहने देता हूँ। टाइप है बेस मैप कार्ट्रोपी। तो कार्ट्रोपी में क्या होता है, मैपिंग लाइब्रेरी फीचर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसपे आप मैप प्रोजेक्शन डेफिनेशन सीखते हो, आर्बिट्री पॉइंट, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट या किसी लाइन का या पॉलीगन का, ठीक है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। या उसके बाद अगर एक्सेल पे, जैसा हम जानते हैं कि एक्सेल से भी हम प्लॉट कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट थिंग्स फ्रॉम द एक्सेल डायरेक्टली, तो एक्सेल टूल्स भी आप यूज कर सकते हो फ्रॉम द मैटप्लॉटलिब डॉट एक्सेल, ऐसा करके समझना रही बात, ठीक है। इट प्रोवाइड्स यूटिलिटीज फॉर चेंजिंग डेटा विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थिंग, ओके। इसके बाद इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट 3D प्लॉटिंग्स, तो आपके पास है एम प्लॉट 3D, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर 3D प्लॉटिंग्स, एंड आफ्टर दिस एक नेटग्रिड करके डिपेंडेंसी होता है जिसके यूज से आप क्या कर सकते हो, इररेगुलर ग्रिडिंग ऑफ स्पेस डेटा क्रिएट कर सकते हो, दैट इज योर नेटग्रिड। इनका कोई बहुत मेजर यूज अभी आपको नहीं करना है, है ना। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कह दिया कि सर इम्पोर्ट लिखा आपने, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पे क्या आता है, तो क्या क्या आता है, आर्टिस्ट एक्सेस एक्सेस पैकेज, ऐसे करते करते अभी हमने बात किया, जो भी चीज़ें ढेर सारे फीचर्स आते हैं, मार्कर्स हो गए, पैचेस हो गए, पिप प्लॉट एक आता है उसमें से, पाई लैब है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इतने सारे आपके पास इस पर डिपेंडेंसीज होते हैं, इमेज पे वर्क करना, तो एक पेज लाते हैं, तो ऐसे ही सारे। हाँ हाँ, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार वापस रिपीट बोलना सर, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या सर? जो आप टाइप कर रहे हैं ना, या अगर आप जुपिटर में टाइप कर रहे हैं तो वो हमें शो नहीं हो रही है, हमें सिर्फ PPT शो हो रही थी। अरे हाँ, अभी ठीक है क्या? यस सर, यस सर। सॉरी, वो PPT पे रह गया था, आई थिंक उसको मैंने क्लोज नहीं किया था। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्लॉट क्या होते हैं, कैसे प्रेशर व्यू, कैमरा इज ऑन, क्या Nothing sir, I was saying it to Prashav. His camera was on. So, external dependencies ऐसे ही हैं, ठीक है। इसके आगे के सारे functions होते हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट, कितने kind of plots होते हैं, फिर उनका एक advanced versions कैसे use करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। किधर गया ये? तो कुछ points लेते हैं और प्लॉटिंग करते हैं। अच्छा, आप सबने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, है ना, सबने टेंथ में पढ़ा ही होगा। क्या होता है ओम्स लॉ, फॉर्मूला बताओ, ऐसा कुछ लिखते होंगे। हाँ, वी इज इक्वल टू आई, है ना, इसका प्लॉटिंग करते हैं। चलो तो वी कुछ ले लेते हैं पॉइंट्स, ऐसा हमने पॉइंट्स ले लिया, वी इक्वल्स टू थोड़ी थोड़ी आई भी ले लिया, वी क्या आ गया आपका वोल्टेज, एम्पियर में आप करंट ले लो, आपने लिया 0.5। अच्छा मुझे बताओ वी इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ कैसा होता है? डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, ऐसा रख देते तो स्ट्रेट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
तब मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। किसको प्लॉट करना है, देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, PLT आपने जैसे numpy में np डॉट लगते थे, PLT इसके अंदर का प्लॉटिंग फंक्शन लाना है। तो प्लॉट किया, प्लॉट किसको करना है, मुझे प्लॉट करना है x और y को, ऐसा लिखूंगा x y बस, सॉरी vi, ऐसा रन कर दूंगा और प्लॉट कर जाएगा, सिंपल सा चीज़। ठीक है, अभी इस पे जाके मॉडिफिकेशंस करते हैं क्या। अच्छा, किधर वोल्टेज है, किधर आपका I है, और कौन सा ग्राफ है, ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर दिया तो V इक्वल्स कैसा आ रहा है आई आर, ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इन पे व्हाट वी से इज एज टू बी लेबलिंग, अभी एक्सिस लेबलिंग ही करना है ना, नीचे एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है हमको, तो व्हाट विल डू इज लेबल्स। चलो लेबल्स करते हैं, इसी ग्राफ में आई विल डू लेबलिंग, ये ऑल राइट है, PLT के नीचे PLT डॉट एक्स लेबल क्या है नीचे। अच्छा, एक्स एंड वाई प्लॉट किया, तो एक्स में क्या है हमारे पास, वोल्टेज है, ऐसा लिख दिया भी, वाई लेबल, देखो बड़े सिंपल सा चीज़ है, इतना कुछ भी वास्ट नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई और समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, एक मिनट, वाई लेबल में हमारे पास क्या है, करंट है ना, ठीक है, और टाइटल दे देंगे ग्राफ का, क्या लिख दें, ओम्स लॉ लिख दें, ऐसा लिख देंगे, V equals to IR, अच्छा ऐसे अगर हम रन करेंगे तो हमारा कोई कुछ ग्राफ गड़बड़ नहीं आ रहा, ऐसा ग्राफ बनता है क्या, बताओ बताओ, ग्राफ ऐसे ही रहता है क्या, अरे कुछ होता कि नहीं, इधर आपने ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस V, इधर आएगा आई थिंक, और I इधर आ जाता है, और R ऐसा निकलता है सीधा स्ट्रेट, है ना, इधर पे V और इधर पे I आना चाहिए आई थिंक, ऐसा चेंज कर देते हैं ऐसा, हाँ तो ये आपका ग्राफ हो गया। इतना क्लियर हो गया सबको, क्या किया, वाई लेबल किया, वाई लिख दिया, एक्स लेबल किया, एक्स लिख दिया, और टाइटल डाला ग्राफ का तो टाइटल भी लिख दिया। अच्छा, इन सब के बाद ये सारे कुछ अगर नहीं लिखने की, टेक्स्ट ऐसा प्रिंट करना है, तो टेक्स्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, PLT डॉट शो, तो आपको ग्राफ मिल गया विदाउट एनी टेक्स्ट, ये सब छोटा मोटा टेक्स्ट के अपार्ट में ऐसा आपको ग्राफ मिल गया। अभी मैटप्लॉटलिब में टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कल हमने देखा भी था कि कोई किसी भी ग्राफ में आप टेक्स्ट कैसे प्लॉट करते हो, तो टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी इक्वेशन को प्लॉट करना है तो कैसे इक्वेशन लिख रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम या कुछ भी ऐसा लिख रहे हो तो उसको कैसे लिखोगे, है ना, तो टेक्स्ट लिखना इज़ इंपॉर्टेंट। चलो दिखाता हूँ टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। अभी मान लो कि ई वी इक्वल्स टू आई आर है, या इक्वेशन दे रहे हैं ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर करके कोई वैल्यू दे दिया, और उस ग्राफ को अगर हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्राफ ले लेते हैं इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर लेके ऐसा करके प्लॉट करना है, तो उसको कैसे करेंगे प्लॉट। लेट्स से वैल्यू ले लो एक्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, मैं एक सैम्पल प्लॉट कर रहा हूँ और एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कि आप ग्राफ के ऊपर में फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो अगर आप मैथमेटिकली ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो विदाउट सिम्पी का यूज किए कर रहे हो, तो कुछ नॉर्मल 0.3, 5, PLT डॉट प्लॉट एक्स वाई, ऐसा कोई ग्राफ बन गया अभी एकदम, है ना। अब इस ग्राफ में मुझे प्लॉट करना है क्या, एक टाइटल, ठीक है,
और टाइटल पे मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट देना है, ठीक है, टाइटल में जो सब टाइटल मैं दूंगा उस पर क्या करना, मुझे टेक्स्ट देना है क्या, दिस शुड बी एक फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा plt डॉट टेक्स्ट। अभी क्या टेक्स्ट है वो बताना पड़ेगा, टाइटल अलग चीज होता है, टेक्स्ट अलग चीज होता है, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट में दे दिया कि टेक्स्ट क्या है, आर। अब आपको ऐसे लिखना पड़ता है आर बताकर, चलो फॉर्मूलाज है तो ये यूज करना पड़ेगा आपको। आपका फॉर्मूला क्या है, लेट्स से इक्वल्स एमसी स्क्वायर है, तो इक्वल्स एमसी टू द पावर स्क्वायर, रन करके देखो क्या प्रॉब्लम, टेक्स मिसिंग टू रिक्वायरमेंट वाई एंड एस, ठीक है। तो कहाँ पे आपको रखना है, लेट्स से वन एंड टू पे मैं डाल दे रहा हूँ पोजीशन, पोजीशन अभी सेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखेगा क्या दिख रहा है, एक ग्राफ है उसके कितने ऊपर कैसे आपको सेट करना है ये बताता है। मैंने दे दिया 5 और 6 इंचेस में, ग्राफ के अकॉर्डिंगली कहाँ पे स्पेस इस पे कैसे ग्राफ के अकॉर्डिंगली आएगा, कहाँ गया ग्राफ का, अच्छा आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है तो किसके अंदर कैसे लिखना है, ये समझ में आएगा, I think title will not work with this, समझ आई बात। अगर टेक्स्ट में नहीं लिख रहे तो टेक्स्ट में आप ग्राफ के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो, तो अभी अगर बाहर में प्रॉब्लम आ रही है तो टाइटल का यूज़ कर ले रहे, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, अगर फॉर्मूला लिखा कैसे यूज करना है, वी इक्वल्स टू आईआर लिख रहे थे तो वी इक्वल्स टू आईआर पे सिर्फ ओके ऐसा लिख दिया वी। तो सर ये डॉलर साइन क्यों यूज कर रहा है? हाँ ये देखो डिफाइन करता है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है हमको उसके अंदर, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो वी नीड टू डिफाइन लाइक दिस, ठीक है, वी इक्वल्स टू आईआर लिखना है तो ऐसा लिख दिया वी इक्वल्स टू आईआर, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, ठीक है, क्लियर वो, चलो आगे देखो। तो दिस इज हाउ यू रन द ग्राफ्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द ओम्स लॉ, या जो भी आप सिंपल मैनुअली कोई भी वैल्यूज ले लो और उसको रन करो, आगे देखते हैं। तो ये लाइन प्लॉटिंग कहते हैं इनको, सिंपल सा प्लॉट होता है लाइन प्लॉट। चलो एक टाइप आता है उसको कहते हैं बार ग्राफ, सबने सुना भी होगा, पहले किया भी होगा, बार ग्राफ पे वर्क भी किया होगा। तो लेबलिंग्स कैसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या टाइटल का ग्राफ कैसे, टाइटल कैसे लेते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अभी एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस अगर आते हैं तो ग्रिड्स कैसे बदलते हैं, किस तरह से ग्रिड्स के वैल्यूज आप चेंज करते हो, राइट। तो एक्सिस होता है, एक्सिस स्टाइलिंग होता है, सब प्लॉट्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। चलो तो लेट्स से अभी मैंने दिया एक्स एक पॉइंट और ले लिया 5 8 10, वाई एक पॉइंट दे रहा हूँ 8 12 16 6 x 2 एक पॉइंट ले ले रहे हैं एंड वी राइट 6 9 11 y 2 लेट बी अ पॉइंट एंड इट विल बी 6 15 7 11। चलो सिमिलरली जैसे हमने प्लॉट किया था अपवर्ड्स में ऐसे करेंगे, x एंड y को प्लॉट करना है, ठीक है। अब मैंने कलर देना है, कौन सा कलर, ग्रीन कलर का लाइन चाहिए मुझे, तो मैंने ग्रीन लिख दिया, ठीक है। मैंने लेबल दिया, क्या लेबल दे रहा हूँ कि जो ग्रीन लाइन है या लाइन वन है, या क्या लिख देता हूँ कि ये लेबल कैसे पता चलेगा कि ये एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ है, ठीक है। लाइन विड्थ कितना दे रहा हूँ मैं कह दे रहा हूँ लाइन विड्थ होना चाहिए 3 2 जो भी, अच्छा इसको आप इंटीजर्स में दोगे 3। सेम plt डॉट प्लॉट किया, आपने दिया x2 y2 और इधर दे दिया कुछ मान लो ब्लू कलर दे देते, ठीक है, लेबलिंग में दे दिया x2 what is the y2, सिंपल लाइन विड्थ चेंज किया 4, बस खत्म बात, प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ का टाइटल होना चाहिए, क्या दे देंगे, क्या दोगे ग्राफ का टाइटल, अभी दे देंगे इसको,
कह देता हूँ लेजेंड प्लॉटिंग, क्योंकि अभी वी विल बी यूजिंग लेजेंड। लेजेंड क्या होता है बताएंगे। अच्छा, ग्राफ में आपने देखा है टॉप राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड या टॉप राइट बिलो साइड में आपने देखा होगा एकदम नीचे में कुछ ऐसा कॉर्नर में इंडेक्सिंग टाइप का कुछ लेबल दिया रहता है कि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, मल्टी इंडेक्स टाइप का कुछ दिया रहता है। या आप इंडिया का मैप ले लो तो इंडिया के मैप में नीचे में दिखा रहेगा कि कुछ डॉट्स बने हुए हैं कि हाँ ये कैपिटल्स हैं, ये यहाँ पे रिवर्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, है ना, उसको कहते हैं लेजेंड। वही ग्राफ में उसी को लेजेंड कहते हैं या लेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो PLT डॉट एक्स लेबल दिया, एक्स लेबल में मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस, PLT डॉट वाई लेबल में दिया मैंने वाई एक्सिस, देखो मैटप्लॉटलिब में लेजेंड अगर प्लॉट करना है, लेबल्स दिए हो तो ही लेजेंड प्लॉट करना, पहली बात तो, नहीं तो कुछ भी लेजेंड आएगा नहीं, है ना। तो हमने दिया है, वी कैन राइट लेजेंड, लिख दिया। अब लेजेंड के अंदर देखो कुछ पैरामीटर्स आते हैं, इनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, देखो दिखाता हूँ, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसके अंदर लोकेशंस होते हैं और लेबल्स होते हैं। लोकेशंस कौन कौन से होते हैं दिया होगा शायद, इधर ऊपर दिखा कहाँ गया, लोकेशंस दिया क्या? हाँ, तो लोकेशंस कितने हो गए, अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, अपर सेंटर, लोअर सेंटर, सेंटर लेफ्ट एंड सेंटर राइट, और एक होता है सेंटर और एक होता है बेस्ट। इतने सारे होते हैं और इनका लोकेशन कोड भी आ रही है तो दिया हुआ है यहाँ। तो बेस्ट में 0, अपर राइट 1, आप लोकेशन दे सकते हो कि भाई अब मेरे को ये लोकेशन पर चाहिए लेजेंड। मार्कर स्केल क्या होना चाहिए, स्कैटर ऑफसेट्स क्या होना चाहिए, ये आप स्टडी करना बाद में। तो बाय डिफॉल्ट बेस्ट आता है, आपको कुछ डालने की जरूरत है नहीं। आप अगर लिखते हो तो आप यहाँ पैसे लिख सकते हो क्या, LOC equals 0 या बेस्ट अगर ऑटोमेटिकली सेट करना, बाय डिफॉल्ट भी आपसे लेता है, तो आपको डालना नहीं है कुछ। अगर आप डालते हो तो इट्स ओके, आप लॉक से डिफाइन कर सकते हो लोकेशन। गलत लोकेशन डिफाइन करोगे एरर आएगा, बताएगा कि इतने लोकेशन से देख लेना। चलो अब ग्रिड चाहिए तो ग्रिड के अंदर भी पैरामीटर्स होते हैं। कॉन्फ़िगर द ग्रिड लाइंस, ग्रिड के कैसे करना है आपको, विच ग्रिड एक्सेस वॉक्स, ये होते हैं आपके, आपका क्या कह लो आप पैरामीटर्स, ठीक है। तो ग्रिड में मैंने कह दिया ट्रू ग्रिड, मतलब ग्रिड मुझे चाहिए, कौन सा ग्रिड चाहिए अभी नहीं डिफाइन कर रहा, बाद में देखूंगा। ग्रिड के कलर्स कैसे होने चाहिए वो आप दे सकते हो, कलर इक्वल्स टू, मान लो आपका ग्रीन एंड ब्लू ब्राउन हो रहा है ना, तो आप ग्रीन एंड रेड कर दो और ब्लू ग्रेड कर दो। और इसको आप शो कर देते हैं, तो आपको दिख रहा है ग्राफ लेजेंड प्लॉटिंग। तो मुझे आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा कि लाइन, अच्छा लाइन स्टाइल भी आपको बता देता हूँ, लाइन स्टाइल कैसे चेंज करते हैं एक ही ग्राफ में। ये एवरीथिंग ऐसा, तो देखो एक लाइन स्टाइल चेंज हो गया आपको, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? हाँ बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को जल्दी बताओ। सर LW क्या? लाइन बिट, लाइन बिट, लाइन का बिट बोलता है LW और लाइन का स्टाइल होता है LS। आप पूरा पूरा भी लिख सकते हो लाइन बिट और शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। ओके सर, ठीक है। हाँ
इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी जल्दी बताओ, हो गया तो आगे देखते हैं। यस सर। हाँ अब देखो, एक फिगर करके टॉपिक आता है, यहाँ से थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ पे। फिगर टॉपिक आता है, मैटप्लोटलिब का फिगर टॉपिक, ठीक है? तो दिस फिगर कंटेन्स क्लास ऑफ फिगर, तो ये टॉप लेवल कंटेनर है एक पिपलॉट फंक्शन का, ठीक है? तो इस पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? अभी तक आपने देखा होगा मैं पीएलटी डॉट फिगर के अंदर फिक्स साइज लिखता था, कल भी देखा होगा शायद आपने ये चीज़, है ना? तो फिगर फंक्शन का पैरामीटर्स क्या है? अगर मैं लिख रहा हूँ फिगर में plt dot figure, तो क्या क्या पैरामीटर्स में लिख दे रहा हूँ मैं, क्या क्या होता है? फिक्स साइज, फिक्स साइज क्या बताता है कि वेट और हाइट, आप जो लिखते हो ना 12x5, 8x6, ऐसा मैं लिख रहा था, इफ यू माइट हैव सीन राइट, तो क्या होता है टपल वैल्यू होता है किसमें, इंचेस में। फिर dpi होता है आपका डॉट्स पर इंच, आप लिखना चाहो तो लिखते हो, नहीं तो नहीं लिखते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। फेस कलर होता है आपके ग्राफ का, फेस कलर क्या होना चाहिए, ठीक है? दैट इज योर फिगर पैच फेस कलर। देन जो लाइन प्लॉट हो रहा है या ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसका एज कलर क्या होना चाहिए, आप यू कैन डिफाइन दैट टू, ओके? देन यू हैव लाइन विड्थ, बाकी आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करके पैरामीटर चेक कर लेना, ठीक है? तो आगे देखते हैं फिगर फंक्शन। तो फिगर फंक्शन के अंदर में एक्सेस क्लास आता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? इसके बाद आप प्लॉटिंग करते हो, एक्सेस क्लास आएगा। एक्सेस क्लास में क्या होता है, रीजन आप कह सकते हो, ठीक है? एक रीजन है किसी भी प्लॉट का, राइट, विद अ डेटा स्पेस, ठीक है? तो अ गिवन फिगर, अगर आपने लिख दिया पीएलटी डॉट, एक फिगर क्रिएट करना है मुझे, पीएलटी डॉट फिगर, ऐसा रन कर दिया तो एक फिगर क्रिएट होगा विद सम पॉइंट्स। अब आपने दिया सी इक्वल्स टू पीएलटी डॉट फिगर, सी को ऐसा करके रन कर दिया, ठीक है? तो एक पॉइंट क्रिएट हो गया, हाँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिगर क्रिएट हो गया। अब उस फिगर का एक्सेस आपको ऐड करना हो, है ना, तो आप क्या यूज करोगे, एक्सेस। तो उसी फिगर में आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया plt डॉट फिगर, ये क्रिएट किया फिगर। उसके बाद उसी फिगर पे क्या करोगे, एक्सेस क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे, c डॉट एड एक्सेस। एक्सेस ऐड करने के लिए आपको एक रेक्टेंगल फिगर, एक रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करना होता है, राइट? तो एक रेक्टेंगल यू नीड टू परफॉर्म और यू नीड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल विथ फोर गिवन पॉइंट्स, है ना? रेक्टेंगल में चार पॉइंट होते हैं, तो कौन कौन से पॉइंट देने पड़ेंगे, लेफ्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट, विड्थ पॉइंट एंड हाइट पॉइंट। अब आप सेम दे सकते हो, लेकिन डिफरेंट दोगे तो रेक्टेंगल फॉर्म नहीं होगा, राइट? तो दो पॉइंट, दो दो आपको सेम देने ही पड़ेंगे। तो कैसे दोगे, एड एक्सेस। अब मान लो मैं इधर रेक्टेंगल फॉर्म करना, मैं दे दूंगा इधर से 0011, ऐसा रन किया, अब एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ 0011 का। कोई दिक्कत है इसमें, एक्सेस आपने डाला ना 0011, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नहीं दिक्कत, बहुत अच्छा। चलो आगे देखते हैं। तो अभी एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है? उसके बाद देखेंगे किस तरह से, अभी जो आपने प्लॉट किया, जो वैल्यूज हमने प्लॉट की उसको axc, अगर जैसे plt डॉट किया था ना वैसे ही एक्सेस देकर भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, c इक्वल्स टू कुछ कुछ कर दिया हमने, अब इसको c में प्लॉट करते हैं। चलो हमारा जो वैल्यूज था ये क्या बोलते हैं आपने, एक्स और वाई का, ठीक है? तो सी डॉट, हमने सी को फिगर डिफाइन किया ना, तो अब पीएलटी लिखने की जरूरत नहीं हमको पड़ेगी, ठीक है? या हमको फिगर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सी वन हो जाएगा सी डॉट प्लॉट, सिंपल। किसको प्लॉट करना है, एक्स वाई को प्लॉट करना है, और अब ऐसा मैंने लिख दिया वाई डैश एस एस, समझ जाना, सॉलिड लाइन विथ येलो कलर विथ स्क्वायर मार्कर्स, ठीक है? C2 हमने ले लिया, C dot plot, X2, Y2, इसको दे देता हूँ जीओ डैश डैश, ठीक है? C dot legend, करते हैं, एक्सेस तो हमने हटा दिया है ना, तो इसको सी को डिफाइन करते हैं फिगर, टेक इक्वल्स टू पीएलटी डॉट फिगर, ठीक है? फिर यहाँ पर दे देते हैं सी,
इसको इक्वल्स कर देते हैं फेक अंडरस्कोर एड एक्सेस, अब सॉरी लाइन हट गया, तो इसको रिपीट करके लिख देते हैं 0011, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, आप दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लिख रहे हो। लेजेंड तो सी हमने दे दिया, ठीक है, अब क्रिएट कर लिया, तो सी डॉट लेजेंड भी प्लॉट कर लेते हैं। लेजेंड में आप दे सकते हो लेबल्स, अब यहाँ पे आप एक फिगर में कैसे लेबल्स देते हो मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपने सेपरेटली लेबल्स लिखा था, यहाँ पे कंबाइन करके लिख सकते हो, तो आप दे सकते हो एक्स वर्सेस वाई पहला, ठीक है, अब लोकेशन आप बता सकते हो, नहीं बता दोगे तो बेस्ट लोकेशन में अपने आप आ जाएगा आपका, ठीक है, टाइटल लिखना है तो टाइटल लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, पीआरटी डॉट शो डालो, ग्राफ क्रिएट करो, आ गया ग्राफ, कोई प्रॉब्लम? हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? तभी बताओ, कोई दिक्कत है? ये ग्राफ है, फिगर बनाया, एक्सेस डाला, एक पॉइंट बांध दिया सी वन, उस पर प्लॉट कर दिया, नहीं डू डालो कितना, तो क्या इसको ऐसा कर दो, ठीक है, अभी उस पर भी कंफ्यूज हो रहे होगे तो हटा दिया मैंने, लेजेंड डाला, लेबल्स डाला, इधर से लेबल दिस लेबल शो कर दिया, आ गया ग्राफ, कोई दिक्कत आए उसको तभी बताओ, पूछना है? नहीं नहीं, वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। अभी देखो ग्राफ में होता है मल्टी प्लॉटिंग्स, देखे होगे, है ना, तो मल्टी प्लॉट्स होता है, मल्टी प्लॉट का मतलब क्या हो गया, मान लो आपने देख लिया एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे वेदर का रिपोर्ट आता होगा, वेदर रिपोर्ट्स में देखते हैं एक कॉलम में धड़ 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 करके प्लॉटिंग आते हैं 6-7 लाइंस, देखा है किसी ने? अरे वेदर रिपोर्ट देखा है क्या आप लोगों ने कभी कहीं न्यूज़पेपर में? नहीं देखा? यस सर, यस सर। अच्छा, वेदर रिपोर्ट नहीं भी देखा होगा तो एग्जांपल के लिए क्या बताऊं, एक कॉलम में ढेर सारे प्लॉटिंग अगर करने हैं तो उसको कहते हैं मल्टीपल प्लॉटिंग, ठीक है, या तो पैंडास के जैसा अगर पेयर प्लॉट करना है, सीबॉन में देखेंगे पेयर प्लॉट होता है, तो पेयर प्लॉट करना है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सब प्लॉट्स करते हैं, तो सब प्लॉटिंग मतलब यही होता है कि एक प्लॉट के अंदर वेरियस प्लॉट्स इंक्लूड करना, ठीक है, तो एक फिगर का प्लॉट क्या, एक फिगर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एटोनॉमी ऑफ फिगर्स, ठीक है, एक फिगर का कुछ कुछ एटोनॉमी होता है कि, तो क्या होता है वो अभी देखो दिखा रहा हूँ, कर लेंगे क्या, आएगा नहीं आएगा, चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो, तो अभी हम टॉपिक पे आए हैं, उसका नाम है सब प्लॉट्स, ये आपने देखा होगा कभी कभी प्लॉटिंग कहीं पर, तो सब प्लॉट में क्या होता है, एक ही विंडो पे आप डबल प्लॉटिंग करते हो, ट्रिपल प्लॉटिंग करते हो, जितना प्लॉट आपको करना है, तो मान लो मैंने लिखा plt डॉट प्लॉट, एक लाइन 1 2 3 4 प्लॉट कर दिया, अच्छा कुछ आया नहीं, लिस्ट ब्रैकेट नहीं लगा क्या, हाँ तो डिफाइन नहीं हुआ ना, चलो डिफाइन हो गया 1 2 3 4 आ गया, बढ़िया एकदम लाइन प्लॉट आ गया, वैल्यू आपके पास आ गया 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज चले गए, ठीक है, ओके, अभी हमको एक क्रिएट करना है ऐसा प्लॉट दैट विल रिप्रेजेंट द टॉप प्लॉट सेम ऐसा ही, ठीक है, अब मुझे एक प्लॉट चाहिए, जो मैंने बोला कि मुझे 2 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, या 2 रोज चाहिए और 1 कॉलम चाहिए, अच्छा 2 रोज और 2 कॉलम चाहिए, क्या करूँगा, तो ऐसा लिख दिया अगर मैंने plt डॉट सब प्लॉट, अब मैंने लिखा 2x2 तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत, फिगर में सब प्लॉट एक्स वन होता है, अच्छा ठीक,
कि क्या हो गया 221 221 मतलब टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं और ये पहला ग्राफ है, ऐसा कुछ समझ आया 221 का मतलब? नहीं समझे, चलो बताते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूज किया सब प्लॉट, अच्छा एक्सेस ऐड करने की जगह डायरेक्टली अगर मैं सब प्लॉट ही लिख देता हूँ, चलो अभी सब प्लॉट अलग चीज होता है, सब प्लॉट्स अलग चीज होता है, ठीक है, सब प्लॉट एक डिफरेंट फंक्शन है, सब प्लॉट से एक अलग फंक्शन है, तो पहले मैं सब प्लॉट समझा देता हूँ ताकि तुमको सब प्लॉट समझ में आ जाए। सब प्लॉट्स में अगर मैंने लिखा 2x2, अच्छा एक्सेस डाल देता हूँ, एक्सेस अभी ये थोड़ा कंबाइंड दिख रहा होगा, इसको भी अभी ठीक कर देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखने का फंक्शन है, ठीक है। चलो तो टाइट लेआउट में देखो कैसा दिख रहा है, टाइट लेआउट में लिखा तो कैसा दिख रहा था, ठीक है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको कि टाइट लेआउट और विदाउट टाइट लेआउट में क्या दिख रहा था? पूरा कॉम्पैक्ट नहीं दिख रहा था चारों ग्राफ्स। अब टू रोज टू क्रॉस टू का मतलब समझ में आया, पैंडास पढ़ लिया, नंपाई पढ़ लिया, डायमेंशन तो समझ में आ ही रहा होगा, टू क्रॉस टू का मतलब होता क्या, मैट्रिक्स है टू रोज विद टू कॉलम्स, कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। हाँ यही चीज उधर आया था, पूछा तो बोला ही नहीं कुछ, चलो ठीक समझ में आ गया मतलब, ओके। तो ये टू रोज टू कॉलम्स का पहला ग्राफ था वो ऐसा, अभी एरर देगा इसमें क्योंकि सब प्लॉट नहीं है, अब यही चीज मैं सब प्लॉट में लिखा था और क्या था वो टू रोज टू कॉलम का पहला, ये ऐसा कुछ दिखा रहा था, कैनॉट कैनॉट अनपैक आपको कौन करने बोल रहा है, ऐसा ये ऐसा एक छोटा सा पार्ट आया था, अभी समझ में आया बात? यस सर। हाँ अब चलो ठीक है, बहुत अच्छा, तो अभी आई एम मेकिंग टू रोज विद वन कॉलम नॉट विद टू कॉलम, तो वन कॉलम के साथ आई विल गो विद, ओके, एंड आई विल प्लॉट, तो टू रोज विल बी हैविंग टू रोज विद द सेम पॉइंट्स, एक्स या एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू वाला ग्राफ डालेंगे, ठीक है, और दो कॉलम यूज करने वाले, सॉरी दो रो यूज करेंगे विद वन कॉलम, और ये पहला ग्राफ है, तो पहला ग्राफ का प्लॉटिंग क्या हो जाएगा, तो अगर हमने लिख दिया plt.subplot ऑफ 211, तो यहाँ पे नीचे लिख दिया plt.plot और x वर्सेस y प्लॉट कर दिया, फिर मैंने लिखा plt.subplot ऑफ 222 सॉरी 212, क्लियर है, टू रोज वन कॉलम का सेकंड ग्राफ है ये, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो दोबारा पढ़ो उसको, और यहाँ पे हमने किया x2 y2 का प्लॉटिंग, रन कर दो, दो ग्राफ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, इधर ध्यान से देखो, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है और ये एक कॉलम है, कोई दिक्कत? अरे यस नो बोलो कुछ, नो सर। हाँ ये देखो, तो वापस बता रहा हूँ, ये टू रोज है मतलब ये एक और ये दो, ठीक, वन कॉलम, ये पूरा वन कॉलम, और ये पहला ग्राफ था x वर्सेस y का ग्राफ, और ये दूसरा ग्राफ था, अच्छा रुको कंफ्यूज तो भर भर के होने बोलोगे नहीं कुछ, टाइटल डाल दे, फर्स्ट रो, अच्छा वाई लेबल डाल देते ना ज्यादा बेटर होगा आपको समझते हैं, इस साइड से आ जाएगा फर्स्ट रो और इधर से आ जाएगा सेकंड, तो प्लॉट करने के पहले इधर लिख देते हैं,
हाँ अभी बताओ कोई दिक्कत। अच्छा अभी भी दिक्कत होगा आपको, फिगर दिया है क्या? नहीं दिया। राइट लेआउट प्लॉट। हाँ अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ। एक कॉलम दिख रहा है और दो प्लॉट और दो रो दिख रहे हैं। अभी इसमें किसी को दिक्कत होगा तो दोबारा से पढ़ो जो दिख रहा है। अब आप फेस कलर, हमने मैंने बताया ना फेस कलर करके एक आता है फेस कलर, तो फेस कलर कैसे बदलते हो तो दिखा रहा। फेस कलर मतलब क्या होता है बताओ, फेस कलर का क्या मतलब होता है? मैंने यहाँ पे क्लिक दिया फेस कलर इक्वल्स टू, अगर मैंने दे दिया रेड। अच्छा क्या दिक्कत है, आर का वैल्यू आएगा कुछ तो शायद। लाइन टू डी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ फेस कलर है। एक मिनट रुको। अच्छा ये तो नॉर्मल प्लॉटिंग है। आई डोंट नीड टू राइट हेयर, आपको लिखना पड़ेगा सब प्लॉट में जहाँ आप प्लॉट कर रहे हो यहाँ पर। फेस कलर इक्वल्स, अच्छा रेड लिख दिया मैंने, तो ये कुछ दिख रहा है क्या? सेकेंड ग्राफ पॉइंट विद वाइट कलर। हाँ बताओ कोई प्रॉब्लम है? Yes, नहीं है ना, चलो आगे बढ़े ना। यस सर। बहुत अच्छा, चलो। हाँ ऐसा ही साइन ग्राफ, यानी तो एनपी हमने इंपोर्ट किया है, इधर पे लिख देते हैं क्या, एनपी डॉट आर ए एन डी ओ एम रैंडम डॉट आर ए एन डी एन रैंडम नंबर्स ऑफ, कुछ 30 रैंडम नंबर्स ले रहे हैं, इनको उठा के काट के इसमें स्टोर कर दो। तो हाँ अब यहाँ तो x वर्सेस np डॉट साइन ऑफ x क्रिएट कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको समझने में। और x वर्सेस np डॉट cos ऑफ x, बाप रे इजी नहीं है, ठीक है। जो भी ग्राफ फॉर्म हुआ अभी आपको बस समझना है सब प्लॉट्स क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा एकदम सुंदर हुआ, ठीक आगे। अभी सब प्लॉट क्लियर हो गया आई थिंक, अब प्लॉट्स में जाते हैं, ठीक है। सब प्लॉट्स में जाएंगे, अभी सब प्लॉट्स में इंडेक्सिंग होने वाला है, ये आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा सब प्लॉट्स फंक्शन। अभी देखो इधर क्या करना है, फिगर क्रिएट करेंगे और एक्सेस क्रिएट करेंगे एक साथ, तो पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स, याद करो अभी मैंने लिखा था फिगर इक्वल्स टू पी एल टी डॉट फिगर, फिर ए एक्स इक्वल्स टू डॉट एक्सेस ऐड कर रहे थे, उससे अच्छा डायरेक्ट टू क्रॉस टू दे दिया। एक्स अभी हमारे पास डिफाइंड है पहले से, तो इससे क्या फॉर्म होता है बताओ? ऐसा कुछ फॉर्म होगा, अभी देखा था हमने, है ना। अब मुझे इधर कुछ प्लॉट करना पड़ेगा, तो क्या होगा बताओ? ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम इंडेक्स करना पड़ेगा, यानी है ना। यस सर। तो उस पर कैसे करेंगे? ऐसा लिखेंगे कि ए, ए क्या है अभी, फिगर का नाम हो गया, ठीक है। फिगर में आपने क्या एक्सेस है ना, एफ आई जी आपका फिगर का नाम हो गया, और ए क्या हो गया एक्सेस हो गया, तो एक्सेस पहला एक्सेस जीरो का जीरो, समझ में आई बात, कोई दिक्कत? आप बताओ जल्दी बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अरे ए का जीरो क्या है, ये है, इसका जीरो क्या है, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो का जीरो क्या हो गया, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम है? अभी इसमें प्लॉट कर रहे हैं तो वो लिख रहा हूँ कि उसमें क्या प्लॉट होना चाहिए, फर्स्ट वाले में साइन एन पी डॉट साइन एक्स से एन पी डॉट साइन आना चाहिए, और सेट भी कर दे रहे टाइटल, लिख दे रहे साइन ग्राफ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा ये हो गया, उसके बाद दूसरे वाले में डालते हैं जीरो ऑफ वन, इसमें प्लॉट कर दे रहे कॉस ग्राफ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बता दो, डिफिकल्टी और कंफ्यूजन रख के नहीं करना एंड क्लास। कोसाइन ग्राफ, हाँ चलो ऊपर का खत्म नीचे का काम, वन का
जीरो आई थिंक ये डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या डाउट हो रहा है किसी को कुछ? तो बार बार पूछ रहा हूँ, बता देना होगा तुम्हें। चार ग्राफ थे, चार का चारों हमने प्लॉट कर दिया। पहले वाले में साइन आएगा, दूसरे में कॉस आएगा, फिर थर्ड में आपका टेंजेंट होगा और फोर्थ में आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, ठीक है? तो पीएलटी डॉट टाइट या फिगर है ना, फिगर हमने लिखा तो फिगर लिखते हैं, फिगर डॉट टाइट लेआउट। ये टाइट लेआउट कब यूज करोगे बताओ तो, जब आपके पास सब प्लॉट्स आएंगे तो ये देखो सारे पॉइंट्स इधर उधर घुस जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं और काम करते हैं। क्या दिक्कत, प्लॉट कहाँ से आया? अच्छा ये देखो बढ़िया ग्राफ, कोई प्रॉब्लम? है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो गया? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया ना। चलो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक, किसी को है तो बताओ भाई। अच्छा इसका कलर चेंज करना है, बढ़िया एकदम, ऐसा ग्रिड भी डाल सकते हो आप, ठीक है? ग्रिड बाद में पढ़ेंगे, ग्रिड कैसे होता है, फॉर्मेट कैसे करते हो ग्रिड को, ये चीज़ भी पढ़ना है हमको, है ना? तो बाद में देखेंगे कि अच्छा सर हम तो ग्रिड भी एक्सेस कर सकते हैं, ग्रिड को कितना अच्छा लिख दिया। अब मान लो ये टाइटल आपने लिख दिया ए का जीरो का ग्रिड चाहिए, जीरो का ग्रिड चाहिए सर, तो ग्रिड डालें। अच्छा ग्रिड कैसा चाहिए, लिख दिया ट्रू, तो पूरे ग्राफ में एक में आपको ग्रिड दिखेगा, देखो दिख रहा है, इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। अच्छा लास्ट वाले में भी चाहिए तो लास्ट में भी डालेंगे, वन का वन डॉट ग्रिड। अब इसको कस्टमाइज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो ग्रिड का कलर वाला डाल देते हैं, कलर इक्वल्स टू डाल देते हैं ब्लू, ठीक? ग्रिड का लाइन स्टाइल भी चेंज करते हैं, ग्रिड का लाइन स्टाइल दे देंगे डैश, डबल डैश नहीं दे रहे, सिंगल डैश दे रहे, और लाइन विड्थ ग्रिड का दे देते हैं 0.25। इसको रन करो, अभी देखो बढ़िया एकदम 0.25 का ब्लू लाइन ऐसा दिख रहा है। ग्राफ में भी चेंजेस लाने हैं तो पहला ब्लू आया है तो पहला ब्लू रहने दो, और दूसरे में चेंज करना है तो दूसरे में आर दे दो, तीसरे में ग्रीन दे दो, चौथे में रेड दे दो, ऐसा। अरे एक मिनट, आर दे दिया आगे बात समझ, ये अच्छा सुंदर सा ग्राफ दिख रहा है ना? आज का वीडियो इधर एंड कर देते हैं।